बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर फजल और आज आपका चैप्टर नंबर 12 हम करेंगे जिसमें हम लोग प्राइवेसी एंड डिजिटल सिक्योरिटी को पढ़ेंगे। प्राइवेसी बेसिकली आप लोगों को वर्ड से ही समझ आ गई होगी कि जो आपका प्राइवेट डाटा जो होता है उसकी आप लोगों ने क्या करती है प्राइवेसी यूज़ करते हैं, और आप किसी भी वेबसाइट पर लॉग इन या कुछ करें तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं या टर्म्स एंड पॉलिसी होता है, और उसको फॉलो करते हुए हम लोग क्या करते हैं सीक्रेट करते हैं। आप बेसिकली इट्स अ सीक्रेट। अब यहाँ पे देखें चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट, मॉडर्न डिवाइसेस एंड प्राइवेसी। ठीक है, मॉडर्न डिवाइसेस एंड प्राइवेसी को हम देखते हैं कि मॉडर्न डिवाइसेस क्या है और प्राइवेसी क्या है। बेसिकली मॉडर्न डिवाइसेस, अब सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अब लुइस, अब एक बंदा था जिसने प्राइवेसी एंड टेक्नोलॉजी पे क्या किया, फर्स्ट क्लेम किया कि कुछ ना कुछ इसमें क्या मसला है, इस टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से हम लोग मिस इन अ प्रिमिटिव सोसाइटी विद नो टेक्नोलॉजी प्राइवेसी इज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड टू अचीव डू समथिंग दैट इज अनऑब्जर्वड बाय अदर्स एंड इट्स प्राइवेट अदरवाइज इट्स पब्लिक। ठीक है, बेसिकली आप लोग जब भी कोई काम कर रहे हैं, प्राइवेट और पब्लिक होते हैं बेसिकली दो काम, आप लोग घर में कर रहे हैं तो प्राइवेट काम हो सकता है, पब्लिक काम क्या है जो आप बाहर कर सकते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि जो भी डाटा आप लोग ऑनलाइन शेयर करते हैं अपना, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम हो गया, या चले इंस्टाग्राम जैसे फेसबुक हो गया, फेसबुक क्या है बेसिकली ये पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है, मतलब आप पब्लिक भी यूज़ कर सकते हैं और पब्लिकली भी यूज़ कर सकते हैं और प्राइवेटली भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें कुछ सिक्योरिटी रीजंस भी होती हैं, कुछ प्राइवेसीज भी होती हैं। लास्ट टाइम आपने भी खबर सुनी होगी कि इशू बना है फेसबुक का कि वहाँ पर क्या हुआ है, रिकॉर्ड्स क्या हुए हैं, लीक हुए हैं, लोगों की डाटा लीक हुआ है, ये ऐसे डिफरेंट काम हुए। जैसे हम लोग याहू की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि याहू को भी एट वंस क्या किया गया था, हैक किया गया था, और इसकी भी प्राइवेसी को यूज़ किया, मिस यूज़ किया गया था, और डाटा दूसरों का क्या किया गया था, लीक किया गया था। अब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की वो एग्जांपल दे रहा है, एक लुइस बंदा था, उसने क्या दिया, वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू वरी अबाउट हाउ टेक्नोलॉजी इफेक्ट्स प्राइवेसी। ठीक है, ही डिस्क्राइब्ड प्राइवेसी एज द इंडिविजुअल राइट टू लेफ्ट अलोन। अब बेसिकली ही ऑल्सो रोट विद सैमुअल डी वॉन विथ दी हार्वर्ड लॉ रिव्यू। ठीक है ना, बेसिकली ये बंदा था जिसको पहला टाइम प्राइवेसी का इशू हुआ था, मतलब कह सकते हैं कि हमारा क्या होता है, वायलेट करता है हमारी प्राइवेसी को इंटरनेट या टेक्नोलॉजी हमारी प्राइवेसी को। ही सेज दैट इज इन द पास्ट इट वॉज हार्ड फॉर पीपल्स प्राइवेसी टू बी वायलेटेड विदाउट देयर नॉलेज, बट यूजिंग मॉडर्न डिवाइसेज पीपल्स प्राइवेसी कैन बी वायलेटेड विदाउट देयर नोइंग इट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग YouTube पे कोई अपना कंटेंट लगाते हैं तो आपने रोस्ट सुना होगा, रोस्टर करते हैं जो लोग, वो क्या करते हैं आपके कंटेंट को घुमा फिर आगे दिखाते हैं और आपको क्या करते हैं अब्यूज़ करते हैं, और आपकी जो मतलब कह सकते हैं ना प्राइवेसी तो नहीं कह सकते, जो आपका डाटा उसको मिसबिहेव करवाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये बंदा था जिसने फर्स्ट किया मॉडर्न डिवाइसेज। अब इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड यूजेज, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज देख लें जी। अब बेसिकली बाइंग अ प्रोडक्ट एट अ स्टोर जनरेट्स अ ट्रांजैक्शन विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन द मर्चेंट कैन गैदर द डेट एंड द टाइम ऑफ द परचेज द प्रोडक्ट द लॉ कॉस्ट एंड पॉसिबली इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट इन द सेम मार्केट बास्केट। बेसिकली वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है आपको कि आप लोग डाटा अपना मतलब उसकी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हैं, आजकल भी चले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, गवर्नमेंट की एग्जांपल दे देता हूँ कि आप लोग जब गवर्नमेंट में एंटर होते हैं, आप कोई भी चीज़ उठाते हैं तो वो एक QR कोड वो स्कैन करते हैं। ठीक है, QR कोड OCR कोड जो भी है उसको स्कैन करके वो आपको परचेज बताते हैं, आप फिर उनको पेमेंट देते हैं और वो आपका बिल काट के आपको एक छोटी सी क्या कह सकते हैं रसीद कह सकते हैं, या वो आपको बिल दे देते हैं। ठीक है, वो प्रोवाइड कर देते हैं तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि ये चीज़ आपने बाय की है तो ये इतने पैसों की है, और वो आपके पास एक रिकॉर्ड भी सेव हो जाता है। अब पेइंग विद कैश इंश्योर्स, अब बेसिकली आप लोग कोई चीज़ बाय करते हैं कैश से, ठीक है, दैट इज़ द बाइंग इज़ नॉट कनेक्टेड विद परचेज
through cash payment in small towns and or even in neighborhood stores wherever every no one knows everyone. ठीक है ना, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कैश करते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल आपने घर से बाहर जाना है कुछ लेने के लिए, तो आप पैसे लेंगे, जाएंगे, चीज़ लेके वापस आ जाएंगे और आप उस बंदे को भी जानते होंगे. ठीक है, आप बेसिकली ये अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फॉर एग्जांपल हो जाए तो वो थोड़ा सा होता है, डिफ़िकल्ट भी होता है और अनसिक्योर भी होता है, क्योंकि वहाँ पर आप अपना कार्ड या एटीएम या कुछ भी दे रहे हैं तो वो ज़्यादा मुश्किल हो सकता है आपके लिए. देखें, पेइंग बाय चेक, क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट्स, परचेजिंग थ्रू मेल ऑर्डर और ऑन द इंटरनेट, प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग अ प्रेफर्ड कस्टमर नंबर, बाइंग अ प्रोडक्ट दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड और सॉरी दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड फॉर सर्विस एग्रीमेंट और वारंटी. ठीक है, इफ यू आर बाइंग स्टॉक्स यू प्रॉबली डू नॉट केयर इफ दिस इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड, बाइंग डेटिंग फॉर टोटल. अब मैं आपको बताता हूँ इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस यही है. फॉर एग्जांपल आप लोग किसी वेबसाइट से, जो प्रोफेशनली वेबसाइट क्रिएट की गई है ई कॉमर्स के लिए, आप उससे चीज़ बाय करते हैं तो आपका डाटा क्या होता है, सेव होता है. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आजकल फेसबुक पर बहुत ज़्यादा लिंक्स आ गए, तो वहाँ पर आप क्लिक करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप वो क्या करते हैं, उसका फॉर्म या जो भी ऑर्डर करते हैं, और उसके बाद आपके एटीएम में पैसे या कोई भी ऐसा इशू बनता है तो वो क्या होता है, वो आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है मिसयूज़ होती है, उसकी प्राइवेसी क्या होती है, लीक होती है. मगर जो आजकल है वो चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है आस्ते आस्ते, मगर आज भी रॉबरी होती हैं अकाउंट्स की, ये कोई बात नहीं है कि आज नहीं होती. मगर ये कि आप यहाँ पर देखें, इफ़ यू आर बाइंग डेटिंग फॉर टोटल डमीज, हाँ डमीज, यू प्रॉबली डू यू वॉन्ट योर बुक परचेज टू बी प्राइवेट. ठीक है, but what is private, it is not easy to define, we will give a formal definition later, for now we examine the dating for total dummy transaction. basically controlling the use of information, no uses approval, basically objection, no limits. ab basically ye kuch points hain jinke through hum kya kar sakte hain, control kar sakte hain kisi bhi use of information ko. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, दी डेटिंग फॉर टोटल डमीज प्रॉब्लम कम्स डाउन टू हाउ कंट्रोल द यूज द इंफॉर्मेशन आ बेसिकली कैन बी रिलेटेड व्हेन द स्टोर इज फिनिश्ड विद इट. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द पेमेंट हैज क्लियर्ड बिकॉज देयर इज नो फर्दर नीडेड फॉर इट. अब यहाँ पे देखिएगा, नो यूज. फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक पेमेंट कर लेते हैं, मतलब आप एक डाटा एक चीज़ मतलब मंगवाई है आपने, तो उसका क्या होगा, डाटा को क्या कह रहा है वो, नो यूज़ के नेक्स्ट को कोई भी बंदा उसको यूज़ ना कर सके, वो सिर्फ आपके अकाउंट में हो. और आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर आप कोई चीज़ बाय करते हैं और किसी ऐसी जगह से बाय करते हैं जिसका एक डाटा बेस बना हुआ है, तो वो क्या होता है, वो डाटा बेस में आपकी जितनी चीज़ें आप बाय करते हैं उसके बाद स्टोर होती रहें. एट लास्ट अगर आप कभी जानना चाहें कि मैंने कितनी चीज़ बाय कर ली है, तो आप उनसे बोलें कि मेरे नाम का रिकॉर्ड निकाल दें, तो वो आपको पूरा रिकॉर्ड निकाल देंगे जितनी भी चीज़ें आपने बाय की होंगी. अप्रूवल, द स्टोर कैन बी यूज इट फॉर अदर पर्पजेज बट ओनली इफ़ यू अप्रूव द यूज़. ठीक है ना, अब अगर आप अप्रूव करते हैं दराज को, फॉर एग्जांपल आप अप्रूव करते हैं तो वो आपको क्या करते हैं, ऐसे अप्रूव की मैं इस तरह एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जैसे आप लोग हाँ दराज पे कोई चीज़ लाइक करेंगे ना, तो आपको वो अप्रूवल मांगेगा कि अगर इस लाइक के मतलब इस चीज़ के रिगार्डिंग अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो आपको नोटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएगी. तो आप लोग कह देते हैं हाँ मिल जाए, अगर रेट अप डाउन हो तो आप उसको जान सकेंगे इसका रेट अप हुआ है या डाउन हुआ है. ऑब्जेक्शन, द स्टोर कैन बी यूज इट फॉर अदर पर्पजेज बट नॉट इफ़ यू ऑब्जेक्ट टू बी टू अ यूज़. ठीक है ना, ऑब्जेक्शन बेसिकली है कि अगर अदर पर्पजेज कैसे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको देखा होगा कि बैंक्स की पहले क्या होती थी, कॉल आती थी कस्टमर्स को कि आप हमारे बैंक में अकाउंट ओपन करवाएं, और अकाउंट ओपन करवा कर यहाँ पर इतनी ट्रांजैक्शन करें तो हम ये इस तरह के बेनिफिट देते हैं. अब बेसिकली बैंक वालों को कैसे पता कि वहाँ पर पैसे होते हैं, बेसिकली ये जो कस्टमर्स होते हैं ना, ये जो आपके पास सेलर्स होते हैं, यही क्या करते हैं,
आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो शेयर करते हैं कि इस बंदे के पास इतना पैसा है, यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। और ये इनकी भी कुछ आपस में डीलिंग होती है कि हम आपको इतने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप हमें इस तरह दें। नो लिमिट, द इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज एनी वे द स्टोर चूजेस। अब बेसिकली आपका अकाउंट अगर देखा जाए तो वो बैन भी कर सकता है, उसको यूज़ भी कर सकता है, उसको मिसयूज़ भी कर सकता है, बट मोस्टली जो अच्छी वेबसाइट है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में पहले बता चुका हूँ, तो वो जो है वो आपके डाटा को क्या करती हैं, सिक्योर रखती हैं, उसको मिसयूज़ नहीं करती। नेक्स्ट देखें अ प्राइवेसी डेफिनेशन एज एन इम्पॉर्टेंट इट इज़ प्राइवेसी अच्छा इट इज़ यस देर इट इज़ मोर देन ब्रेड्स राइट टू बी लेफ्ट अलोन। जनरली प्राइवेसी कंसर्न्स फॉर एक्सपेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ अवर बॉडी टेरिटरी पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ दीज ओनली द लास्ट टू कंसर्न्स अस हेयर वी अडॉप्ट दिस डेफिनेशन प्राइवेसी द राइट ऑफ पीपल ऑफ चूज फ्रीली अंडर वट सर्कमस्टांसिस एंड वट टू एक्सटेंट एक्सटेक्ट misprint they will reveal themselves their attitudes and their behavior to others। basically ये कुछ कह रहा है कि आप लोगों के पास privacy के कुछ rules हैं। basically first of all आपकी life आपकी body आपकी जो मतलब information है वो और communication। for example अगर whatsapp पे example ले ली जाए तो whatsapp is a private site, तो आपकी उसमें क्या होती है privacy होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी और बंदे को अपनी प्रोफाइल पर किसी नहीं दिखाना चाहते तो आप नहीं दिखाएंगे उसे, आप क्या करेंगे जस्ट कंटेंट ओनली कॉन्टैक्ट ओनली सॉरी। तो वो जितने भी कॉन्टैक्ट में होंगे आपके पर्सन वो क्या करेंगे उसको देख लेंगे, अदरवाइज उसको बाकी बंदे देख नहीं सकेंगे। अब इंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेसी नाउ दे दैट वॉट वी Define what are the threats of to privacy। अब benefits तो हैं बाकी threats भी हैं। यहाँ पे इस points को हम क्लियर करते हैं यहाँ पे जी जी अच्छा जी यहाँ पे देखें आप लोग यहाँ पे हमारे पास है अच्छा यहाँ पर डिस्क्लोजर दिया गया इन प्रिंसिपल्स अब person can enjoy perfect privacy by simple deciding not to reveal anything to anyone that is to be। अब basically आप लोग अपनी privacy ऐसे ही रख सकते हैं कि आप लोग क्या करें अपनी चीज़ को किसी के साथ share ना करें। अब but most of us interact with many people and organizations, business employers and government to whom it is in our interest to reveal private information, that is we freely choose to reveal information to exchange for real benefits। अब basically आप लोग तब अपनी privacy को leak करते हैं जब आपको benefit होता है। for example benefit ऐसे ही है कि अगर ऐसे आप लोग example इसके ऐसे लिखते हैं for example एक बंदा है उसके पास पैसे है और वो कहीं पे क्या करना चाह रहा है इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो जब वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो किसी से जाके मिलेगा मीटिंग करेगा उसे बताएगा हाँ जी मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है कि आप लोग क्या करते हो अपनी प्राइवेट जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करते हैं रिवील करते हैं, उसको क्या करते हैं शेयर करते हैं विद अदर्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं वी टेल आवर डॉक्टर्स मैनी पर्सनल फैक्ट्स अबाउट अवर सेल्फ सो दे कैन हेल्प अस स्टे हेल्थी। अब बेसिकली डॉक्टर की एग्जाम्पल दे रहा है कि डॉक्टर को आप बताते हैं अपने पर्सनल फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप अपने पेरेंट्स से या इवन किसी से शेयर नहीं कर सकते बट यू हैव टू टेल योर डॉक्टर द ट्रुथ कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो काइंडली मुझे ये मेडिक कर दें और मुझे क्या कर दें सोल्यूशन इसका दे दें। अब वी अलाउ क्रेडिट कार्ड कंपनी टू चेक अवर क्रेडिट रिकॉर्ड्स इन एक्सचेंज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पेइंग विद द कार्ड। अब बेसिकली क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो होती हैं वो आपकी क्रेडिट को क्या करती हैं रिकॉर्ड करती हैं, उसको क्या करती हैं एक्सचेंज करने में आपकी हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो क्रेडिट के थ्रू की क्रेडिट कार्ड के थ्रू की तो फिर वो क्या होगा आपको हेल्प करेगा वहाँ पर। वी परमिट
our employees to read email we send at work. Basically email आपकी जो होती है वो आप अपने employees को send करते हैं, तो वो क्या करते हैं उसे read out कर understand what that we are using the employees computers internet connections and times that the email system is there and for us. आप basically ये वही कहना चाह रहा है कि आप लोग किसी चीज़ को किसी बंदे को भी सेंड करोगे तो उसकी ईमेल आईडी से फॉर एग्जांपल अगर सेंड कर रहे हो तो उसकी ईमेल ही यूज़ होगी उस पर, और अगर आप लोग अपनी से सेंड कर रहे हैं अपने वर्कर्स को तो उनको भी शो हो जाएगा कि हमारे हेड ने या कंपनी के ओनर ने हमें ये चीज़ सेंड की है. अब बेसिकली वी रिवील टू द गवर्नमेंट आवर रिलीजन. आप बेसिकली अपना रिलीजन बताते हैं, आप अपने पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ प्लेसेस एंड सारा कुछ बताते हैं गवर्नमेंट को, तो वो भी एक प्राइवेसी भी चीज़ आ जाती है. फेयर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, आप फेयर इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं जी, ठीक हो गया. फेयर इंफॉर्मेटिव पॉसिबल टू रिवील इंफॉर्मेशन अबाउट अवर सेल्व्स टू अदर पीपल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टिल एंजॉय कंसिडरेबल प्राइवेसी, बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट to infer to the information after we revealed it, we have revealed it. Basically आप लोगों की information reveal करने के बाद क्या होता है, फॉर example इसकी एक easy example लेते हैं. दोस्त एक दूसरे दोस्त को क्या देता है, अपना एक privacy बताता है, एक अपना private बात बताता है, तो वो क्या करता है उसको बाद में misuse करता है. तो अब आपने अपना खुद reveal की है ना बात, दोस्त ने तो नहीं पूछी थी ना, आपने खुद उसके ऊपर बैठ के अपने वो क्या कहते हैं अपनी बात उसको बताई है. तो ऐसे ही आप information जो होती है ना अपनी खुद reveal कर रहे होते हैं, तो उसके क्या एक्सपेक्ट्स हो सकते हैं वो तो लाइफ में बाद में पता चलती है, और आपको बाद में पता चलता है कि क्या होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद ही बंदों को बता रहा हूँ कि मैं जी घर लेके जा रहा हूँ 10 लाख रुपए, तो भाई बंदों ने तो कुछ ना कुछ करना है ना. मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा मतलब वायलेट बंदा है, मतलब कह सकते हैं जिसको जो मिसयूज़ करने वाला बंदा है, तो वो तो मिसयूज़ करेगा ना चीज़ों को, वो तो छोड़ेगा नहीं उस चीज़ को, वो कहेगा ठीक है जी भाई इसको रस्ते में रोको और इससे जो चीज़ लेने होती है वो ले रहे हैं, ठीक है हो गया. बेसिकली नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी में OECD. OECD बेसिकली इसका स्टैंड फॉर क्या, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट. इन 1980 में हमने इसको क्या किया, उन्होंने बनाया इसको, और ऑर्गेनाइजेशन क्या वर्किंग करती थी हम इसको भी देख लेते हैं. एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 34 कंट्रीज कंसर्न विद द इंटरनेशनल ट्रेड डिवेल्प एन 8-point लिस्ट ऑफ प्राइवेसी principles that becomes known as the fair information practices. अब basically fair information practices कहा जा सकता था इसे, और ये 34 countries concern से बनी थी और privacy के ऊपर, privacy के principles के ऊपर इसको बनाया गया था ताकि कोई भी data एक दूसरे के साथ link ना हो. For example आपने ये भी example सुनी होगी एक कि last time जब Trump United States मतलब USA के elections हुए थे तो वहाँ पर रशियन हैकर्स ने अपना रोल प्ले किया था, ठीक है. तो ये भी एक प्राइवेसी लीकनेस की बात है. दे हैव बिकम अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर्मिंग अ रीजनेबल कंप्लीट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम ऑफ कीपिंग इंफॉर्मेशन प्राइवेट वाइल एट द सेम टाइम रिवीलिंग एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट्स. बेसिकली ये है, वी ऑल हैव एन इंटरेस्ट इन दिस प्रिंसिपल्स बिकमिंग लॉज. These principles also give a standard that business and governments can meet as a due, a basically test for protecting citizens' right of privacy, thereby protecting themselves for criticism or illegal actions. अब OCR basically ये यहाँ पर ही बनाया गया था, इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ पिक्चर भी. यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे एक टेबल है, लिमिट उसने दिया, लिमिट कलेक्शन पर्पस, क्वालिटी, उसके बाद यूज़ लिमिटेशन, सिक्योरिटी. अब ये कुछ उन्होंने ना एक किस्म के रूल्स कह सकते हैं या प्रैक्टिस गाइडलाइंस बना दी थी कि यहाँ पर आपके ओपननेस प्रैक्टिस, हाँ, पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी, ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने बना दिए थे जिसकी वजह से क्या हुआ, डाटा को क्या रखना होता था उन्होंने, प्राइवेट रखना होता, पर्सनल रखना होता था, और कोई भी दूसरा एक दूसरे से लिंक नहीं हो सकता क्योंकि बेसिकली हैकर्स तो हर जगह मौजूद है, मगर आपने अपने डाटा को क्या रखना है, खुद सिक्योर रखना है. तो खुद कैसे सिक्योर रख सकते हैं कि आप लोग उस पर ऐसे लॉज या ऐसी इम्प्लीफिकेशन या ऐसी इम्प्लीमेंटेशन
करें जिसकी वजह से आपका डाटा इनसिक्योर ना हो। इज देयर नो प्राइवेसी, आप बेसिकली आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा इज देयर नो प्राइवेसी, डिस्पाइट बीइंग अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, प्राइवेसी इज नॉट इंजॉयड इन मच ऑफ द वर्ल्ड एट OECD स्टैंडर्ड फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड बिजनेस हेल्ड इंफॉर्मेशन। बेसिकली गवर्नमेंट एंड बिजनेस हेल्ड इंफॉर्मेशन, बेसिकली मैंने आपको बताया कि आप स्टोर से लेने जाते हो तो वो भी तो एक बिजनेस है, और जो आप लोगों का जो बैंक है वो भी एक बिजनेस है, तो वो इंफॉर्मेशन वहाँ से वहाँ शेयर तो हो रही है ना। दिस इज समवट सरप्राइजिंग बिकॉज प्राइवेसी इज नॉट अंडरस्टूड इट्स IT इम्प्लीफिकेशन आर क्लियर। OECD स्टैंडर्ड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड एंड वर्क वेल एंड सो ऑल दैट लेफ्ट टू डू लॉज एंड इन सो एनफोर्स दैम इन दोज प्लेसेस नॉट नाउ इंजॉइंग प्राइवेसी व्हाट द प्रॉब्लम। अब बेसिकली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे प्राइवेसी को भी क्या करना पड़ रहा है, हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ रहा है। अगर इसकी इजी एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो आपके मोबाइल में हमेशा अपडेट आई होती है, हमेशा अपडेट चीज़ों की आई होती है। वो अपडेट बेसिकली क्या होता है कि आपके पहले तो बग्स फिक्स किए जाते हैं, सेकेंडली आपकी जो प्राइवेसी है उसको मोर सिक्योर करने की कोशिश की जाती है। बेसिकली सिक्योरिटी जो है वो हर बंदे की पर्सनल है और प्राइवेसी हर बंदे को मिलनी चाहिए उसके अकाउंट पे, तो वो ये बेसिकली वो अपडेट इसी चीज़ों पे होती हैं। हु इज़ प्रोटेक्टेड इन 1995 अ लैंडमार्क एडवांसमेंट फॉर प्राइवेसी दी EU मतलब यूरोपियन यूनियन इशूड द यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव अ बेंचमार्क लॉ इनक्रप्टिंग द OECD principles in next few years the members countries adopted it, many non-UAE EU countries such as Australia, Canada, Hong Kong and New Zealand have also adopted laws based on OECD. अब OECD law जो होता है ना basically use होता रहा है, और basically वो क्या कहता है private account को करने के लिए use करता है, और जो European Union countries मैं नहीं आ रहे थे मैनी नॉन यूनियन कंट्रीज, उन्होंने भी क्या किया अपने उसी लॉज को क्या किया अडॉप्ट किया और उसी को यूज़ करना स्टार्ट कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बिजनेस एज यूजुअल। पर मैं शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर बेसिकली थ्योरी है, तो आपने अगर डिटेल में इसको एक दफ़ा देख लिया तो आप लोग सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसमें कोई भी मसला नहीं होगा। अब बेसिकली बिजनेस एज यूजुअल हमने देखना, सो व्हाट आर US बिजनेस एंड द गवर्नमेंट डूइंग दे वुड नॉट बी कंसिस्टेंट विद OECD गाइडेंस। देर इज़ एन अब बेसिकली डाटा की बात हो रही है, कंसर्निंग की बात हो रही है, रूल्स की बात हो रही है, बेसिकली उसमें ये आपको बताना चाह रहा है कि अमेरिका में बेसिकली इस चीज़ को क्या किया जाता है, रूल्स को बाय बोथ बिजनेस एंड द गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब बिजनेस एंड गवर्नमेंट है, अब बिजनेस वाले लोग क्या करते हैं इसको मिसयूज करते हैं, और गवर्नमेंट वाले भी लोग ही मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इट इज़ अ क्राइम इवन टू से दैट डाटा गैदरिंग इज टेकिंग प्लेस बट एग्जाम्पल्स आर अवेलेबल। बेसिकली वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि ये भी इलीगल है कि आप डाटा गैदर कर रहे हो, लोगों का प्राइवेट डाटा ले रहे हो, पर्सनल डाटा ले रहे हो, और उसको क्या कर रहे हो आगे गवर्नमेंट को या प्राइवेट कंपनीज को क्या कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं। ये भी एक क्राइम में आ जाता है कि आप बगैर पूछे किसी का डाटा ले लें और बगैर पूछे ही डाटा प्रोवाइड कर दें। आप डमीज हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा है, डमी डिस्कशन किया, टोटल डेटिंग फॉर टोटल डमी डिस्कशन इंडिकेट्स ऑलमोस्ट एवरी स्टोर एंड कंपनीज यू डू बिजनेस विद हैज़ इंफॉर्मेशन अबाउट यू। अब यहाँ पर देख लें कि जिस भी चीज़ के साथ आपका कनेक्शन है वहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन क्या है उनके पास, और क्लियरली मैनी डू नथिंग विद इट्स बियॉन्ड मेकिंग श्योर दे गेट पेड। देखें क्लियरली मैनी डू नथिंग
with it beyond making sure that they get paid. Basically कुछ भी information से नहीं करना और making sure that they get paid. But because of their web presence, many businesses have a link to a privacy policies. It says what they do with the information they have. Basically मैंने आपको जब स्टार्ट ही किया तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी थी वेबसाइट्स की कि आप लोग किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है. तो यहाँ पर उसने एट द एंड यही मेंशन किया हुआ है. अगर आप देखें तो उसने मेंशन किया हुआ है कि आप लोगों के पास वेब प्रेजेंस भी है. मैनी बिजनेसेस हैव लिंक टू द वेब पॉलिसीज, सॉरी प्राइवेसी पॉलिसीज. इट सेज व्हाट दे डू विद द इंफॉर्मेशन दे हैव. ठीक है, दे टू नो व्हाट दे आर डूइंग यू मस्ट रीड. But because there is no standard and they have a different, often the policy essentially says we use the information however we like. Basically अब वो आपकी information को जैसे चाहें वो use कर सकते हैं. उनकी privacy policies को भी read out लोग नहीं करते, हम लोग accept करके चीज़ को buy या use कर लेते हैं. For example आप कोई app करते हैं तो ऐप को आप देखते भी नहीं हैं, आप सिर्फ उसको क्लिक करते हैं और जब वो प्राइवेसी मांगता है तो आप लोग क्लिक क्लिक नेक्स्ट 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 करते जाते हैं. इसका मतलब है आप अपने फ़ोन का कंट्रोल उसको खुद ही दे रहे होते हैं. और जो बाद में हम लोग कहते हैं कि हमारा फ़ोन मिसयूज़ हो रहा है या हमारे फ़ोन का डाटा नहीं ठीक चल रहा है या फ़ोन को मसला बन रहा है, तो बेसिकली आप खुद उनको इन्फॉर्मेशन अपनी देते हैं और आप लोग खुद ही कहते हैं. फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक थर्ड पार्टी ऐप मोबाइल में किया हुआ है, ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी ऐप तो मैंने किया हुआ है मगर उसमें क्या होता है, मेरा डाटा क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है. ट्रांसफ़र कैसे होता है कि वो थर्ड पार्टी ऐप मेरे यूट्यूब पे मैं जो भी सर्च करता हूँ वो थर्ड पार्टी ऐप में भी आए होते हैं. अब वो थर्ड पार्टी ऐप में किस तरह आते हैं कि मैंने उसको लाओ एक्सेस दी हुई है जिन जिन चीज़ों की, वो वहाँ वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके डाटा अपने ऊपर ले आ जाता है. क्योंकि हर ऐप चाहेगा कि मेरे ऊपर ज़्यादा बंदा सर्व करे. YouTube जैसे चाहता है कि मेरे पास बंदा ज़्यादा टाइम से रहे. और जैसे दूसरे भी ऐप्स होंगे वो क्या कहेंगे, अपने अपने आप को क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे कि हमें प्रमोट करें, हमें हर पास डाटा ज़्यादा हो, ज़्यादा कंज्यूम हो हमारा डाटा. ठीक है, अब टारगेटेड ऐप बाय टारगेट डाटा माइनिंग. अब डाटा माइनिंग यहाँ पर टारगेटेड data mining known informally as big data in the statistical analysis of huge information achieves it is powerful tool to extract the business advantage for customer data. It is so effective that retailer targets can figure out if a woman is pregnant for her buying habits even if she did not buy a pregnancy test kit or tell anyone about it. ठीक है ना, आप बेसिकली देख लें आप डाटा माइनिंग क्या चीज़ है. वो बॉस कह रहे हैं इंफॉर्मेशन, अब आपका डाटा है फॉर एग्जाम्पल आपके इवन घर तक जो डाटा होगा वो क्या होगा, उनके पास फॉर एग्जाम्पल प्राइवेसी नहीं है तो वो क्या होगा, डॉक्टर के थ्रू या किसी के भी थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ पर चली जाएगी और वो आपको चीज़ें सेल करने की स्टार्ट करने की. टारगेट लाइक मोस्ट कंपनीज विद अ लॉयल्टी कार्ड असाइन ईच शॉपर अ यूनिक कोड यूज टू ट्रैक एवरीथिंग दे बाय. अकॉर्डिंग टू अ फेब 2012 न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल्स, वट एवर अ शॉपर यूजेस अ कार्ड क्रेडिट कार्ड और अ कूपन फाइल्स अवर आउट ऑफ अ सर्वे मेल्स इन अ रिफंड कॉल्स द कस्टमर्स हेल्पलाइन ओपन्स एन ईमेल टारगेट सेंड एंड विजिट अ वेबसाइट टारगेट विल रिकॉर्ड इट एंड लिंक टू द यूनिक गेस्ट आईडी. ये
सारा कुछ जो होता है टारगेट के थ्रू आपके साथ किया जा सकता है बाय एनालाइजिंग कस्टमर्स. अब चलें जी, इसको आप लोग खुद रीड आउट कर लेना है. गवर्नमेंट एज यूजुअल, मतलब जैसे हमने बिजनेस की बात की है, गवर्नमेंट की कर लेंगे. फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो ट्रैकिंग का होगा. इंशाल्लाह ट्रैकिंग को हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू.